सनी देओल का करोड़ों का लोन भरने के लिए पैसे दे रहे हैं अक्षय कुमार। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस दावे की सच्चाई जानें। गदर 2 की शानदार सक्सेस के बीच खबरें आ रही थी कि सनी देओल का बंगला नीलाम होगा। दरअसल रविवार को एक बैंक ने नोटिस जारी किया था कि अभिनेता को दिए गए 56 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए सनी देओल के जुहू स्थित घर की ई नीलामी की जाएगी। हालांकि इस स्टेटमेंट के एक दिन बाद बैंक ने नोटिस वापस ले लिया और दावा किया कि ये कोई टेक्निकल खराबी थी। वहीं इसके बाद खबरें फैल गई कि स्टार अक्षय कुमार ने कथित तौर पर सनी देओल के जुहू स्थित घर को बचाने के लिए लोन का एक बड़ा हिस्सा चुकाने में मदद की है। वहीं अब इन र्यूमर्स पर अक्षय की टीम ने रिएक्शन दिया है और वायरल हो रहे दावे की सच्चाई बताई है। ऐसे सभी दावे बिल्कुल झूठ हैं। अक्षय कुमार और सनी देओल इस समय अपनी अपनी फिल्मों ओएमजी 2 और गदर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रहे हैं, जहां पंकज त्रिपाठी स्टारर ओएमजी 2 ने अब तक 113 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं सनी अमीषा की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार हैंडपंप नहीं, 400 करोड़ का हथौड़ा मारा है सनी पाजी ने और साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। गदर 2 की बात करें तो ये साल 2001 में आई फिल्म की सीक्वल है। इसे अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। मनीष फिल्म में विलन बने और उनके काम की खूब तारीफ हो रही है। अब हमें जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।